योजनावर्ती धारियों कि देश का अन्नदाता चार महीनों से भीषण ठंडी के अंदर अपने परिवार के साथ इन बॉर्डर पे बैठा है, क्या उनके ऊपर गोली चला दी जाए? अपनी माँ से पूछना कि 26 जनवरी को हम इन किसान और इन बहनों के ऊपर लाठियां चला सकते हैं या नहीं? आप पूछ लें अपने परिवार से, अगर आपका परिवार इजाजत देता है, आपकी बेटी आपकी माँ, तो 9 महीने आपको कोर्ट में रखे दूध और दही पिला के ये वर्दी पहनाई है। अगर वो माँ कहती है तो बेशक फला दे सीना लेके हम आएंगे, आप अपनी गोली से हमारा सीना ठंडा कर देना। मोर्चे से पिछले 34 दिनों से लगातार यहाँ पर जो जमावड़ा चला आ रहा है, आज 35वें दिन शाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इन लगातार 30-35 दिन यहाँ और 26 नवंबर से 15 जनवरी तक सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, पलवल चाहे गाजीपुर बॉर्डर, चारों तरफ से हिंदुस्तान की सरकार, मोदी की सरकार को देश के अन्नदाता ने घेर के भेज बैठा है। पहुंचा है जहां ये संघर्ष केवल और केवल भारत की सरकार से नहीं, देश के तीनों संस्थाओं से शुरू हुई है। देश की कार्यपालिका, देश की व्यवस्थापिका, देश की न्यायपालिका और चौथा स्तंभ कहने वाला देश का मीडिया, चारों का चरित्र, चारों की उपलब्धि और चारों का भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहेगा, ये दुनिया के पैमाने के ऊपर देखने का वक्त आ गया है। हमारा विश्वास व्यवस्थापिका से तो उसी दिन उठ गया था जब पार्लियामेंट और जो मत विभाजन नहीं किया, आज वो मत विभाजन दिल्ली की सड़कों के ऊपर खुद मांगने के लिए अन्नदाता निकल चुका है। दूसरी हमारी संस्था है न्यायपालिका। न्यायपालिका पे तो उसी दिन डगमगा गया था हमारा विश्वास जब सुप्रीम कोर्ट के 3-3 मुख्य जज मीडिया के सामने आके कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। वो संस्था है कार्यपालिका। देश की आजादी के बाद कार्यपालिका पे दाग नुमा भरे पड़े हैं, लेकिन इस आंदोलन में अगर हिंदुस्तान में कार्यपालिका को समझना है, अपना धर्म निभाना है, हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीतना है, तो मैं देख रहा हूं 1 महीने और 4 दिन से इन्हीं पड़ाव के ऊपर हम तमाम ये वर्दीधारी हमारे बेटे हमारे भाई खड़े हैं। ये बोलते हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे भी जमीन है, हम भी मजदूर के बेटे हैं। हम इन्हीं बेटों को इसी मन से कहना चाहते हैं कि 26 जनवरी को आप किसान के बेटे हो, जमीन के बेटे हो, या मोदी की तानाशाही सरकार के बेटे हो, फैसला करने का दिन हम आपको चुनौतीपूर्ण तरीके से 26 जनवरी को देखेंगे। हमारा विश्वास पिछले 6 सालों से मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया बोल रहे हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश की ताकत होती है, जनता की आवाज होती है। पिछले 6 वर्षों से जिस प्रकार गोदी मीडिया इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को टकराव में लाया है, जेनू जैसी पवित्र संस्था को टुकड़े टुकड़े गेंद बनाया है,
देश के लिए मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन ईसाई को लड़ाने का काम किया है। उसी दिन हिंदुस्तान की नजर में चौथा स्तंभ बनने वाला मीडिया हमारे पैर की ठोकर के सामने आ चुका है। हमारा विश्वास फिर डगमगा रहा है जब ये पता लगा कि किसान न्यायपालिका में नहीं गया और सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों की कमेटी बना के हिंदुस्तान की जनता के सामने रख रही है जो तीनों हमारे किसान विरोधी लोग हैं। तीनों वही लोग हैं जिन्होंने इसी बिल के पक्ष में बात कही थी, जिन्होंने काले कानूनों को सरकार लेके आई थी, पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा के अंदर जिस प्रकार आनंद फानन में यह बिल पास करवाया गया। हमारे सांसद राज्यसभा से केरला से बोल रहे थे इसी मन से, उनको इसलिए निलंबित कर दिया कि सड़क से पहले देश की राज्यसभा में इसी कानूनों को रोकने के लिए उन्होंने मांग की थी। उस समय मोदी की सरकार ये नहीं जानती थी कि धरती के जमीन से निकले हुए सांसद जिनको तुम निलंबित कर रहे हो, उनके हजारों हजार भाई दिल्ली को घेर के पार्लियामेंट को चुनौती दे देंगे, ये मोदी जी नहीं जानते थे। कहने से बेटा नहीं बनता, जमीन रखने से बेटा नहीं बनता, बेटे की परीक्षा होगी। बेशक तुम खाकी वर्दी के अंदर हो, बेशक तुम कानून के दायरे में हो, मगर याद रखना जब तुम नौकरी लगे थे तो यही शपथ दिलाई थी कि अन्याय के खिलाफ ये वर्दी रक्षा करेगी, महिलाओं के खिलाफ जुल्म होगा ये वर्दी रक्षा करेगी, कहीं ये वर्दी हमारी बहनों का सुहाग ने उजाड़ दे खून से लाल मत हो जाना। चुनौतीपूर्ण तरीके से इस मन से आपको आगाज कर रहे हैं। ताकत और फोर्स लगी हुई है आपके सामने। दो रास्ते खोलेंगे, पहला रास्ता कानून में रह के हिफाजत करना, कानून में रह के अपने बहन बेटियां जो मैदान जंग में आई है उनके सुहाग की रक्षा करना आपका दायित्व हमसे कहीं ज्यादा है, आपकी जिम्मेवारी हमसे कहीं ज्यादा है। कहीं ये मत कर देना कि आप अपनी बेटी की नजरों में गिर जाओ और आप अपने घर जाने के लायक नहीं रहो। कर दिया कि 26 जनवरी को देश के लाल किले पे हमारे ट्रैक्टर हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार परेड में शामिल होगा। आप देख रहे हो आज केरला से लोग आए, कल बंगाल से लोग आए, परसों तमिलनाडु से लोग आएंगे, कश्मीर के लोग आएंगे, कन्याकुमारी के लोग आएंगे। ये आजादी के बाद इस बार हमारी झांकी हमारा कल्चर से नहीं, हमारे खाने पीने से नहीं, हमारे ट्रैक्टर जो हमारे भाई की तरह धरती माँ का सीना फाड़ के फसल पैदा करता है उसको लेके लाल किले पे जाने का काम करेंगे। कि पापा ये खाकी वर्दी बचाने के लिए इन बहनों का सुहाग उजाड़ना तो गोली तैयार करना, ठंडी गोली करने के लिए हमारी 20-20 साल की बेटियां सबसे पहले ट्रैक्टर लेके मोदी सरकार की तरफ पूछ करेगी। ये वक्त आ गया है जब आपको अपना जमीन जगाना होगा। जब जब दुनिया में क्रांति आई है उस क्रांति के अंदर ये साबित हुआ है कि धरती का बेटा माँ का लाल, बहन का भाई चाहे वो वर्दी पहन ले मगर बहन का सुहाग नहीं उजाड़ सकता, उसका जमीन इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता। ये आपको सोचने का टाइम दे बड़ा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कड़े कानून, जिंदाबाद।
तरीके से ये जो आज मशाल जुलूस का आह्वान था संयुक्त मोर्चा के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर का, इसके अंतर्गत राजस्थान के गांव गांव के अंदर आज मशाल जुलूस निकाले गए हैं। और ये मशाल जुलूस के द्वारा देश की मोदी सरकार को चेतावनी है कि वो ये कानून वापस ले, किसान विरोधी कानून वापस ले, वरना यह आंदोलन और जो तेजी पकड़ता जा रहा है। और आने वाली 23 तारीख को राजभवनों का घेराव होगा, 18 तारीख को महिला किसान आएंगे पूरे देश के अंदर तमाम मोर्चों पर, और आने वाली 26 तारीख को किसान का गणतंत्र दिवस का परेड दिल्ली में होगा। इसी आह्वान के साथ में ये मशाल जुलूस समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मिसाल जुलूस आप लोगों ने जो निकाला, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और यही हमारा लक्ष्य था जिसको आपने पूरा किया। पूरे राजस्थान के अंदर ऐसे ही जुलूस गली चौपाल मोहल्लों में और भी निकले होंगे। यार कैमरा बंद करो।